यमुनानगर के पुराना हमीदा इलाके में देर शाम गोली सिक्के से भरा बैग मिलने से इलाके में दहशत मच गई। दरअसल इस बैग को बच्चे खेलते समय खींच कर गली के बीच लेकर आए थे और वहीं ये बैग खुल गया। लेकिन जब लोगों ने देखा तो इस मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। सुबह होते ही पुलिस ने मौके पर बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों की टीम को भी बुला लिया। लेकिन जब सर्च अभियान चलाया तब भी टीम के हाथ कई जिंदा कारतूस लगे। बैग में जो गोली सिक्का पड़ा हुआ था उसका वजन 30 से 35 किलो के करीब बताया जा रहा है। सहज ये साथ ही मिट्टी पड़ी है यहाँ पे, जिसके अंदर से गोली सिक्का मिला है, तो पुलिस ने वो अपने कब्जे में ले लिया। मगर उसके साथ साथ जो साथ वाला हमारा इलाका है, यहाँ के लोग सारे दहशत में है भाई, ये कहाँ से आया, कौन इसे यहाँ पे डाल गया। 35 किलो के करीब होगा जी, कट्टे में था जी। ऐसे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे मिट्टी में जी, तो बच्चों ने देखा, तो देख के फिर जब एक दो बड़े भी इकट्ठे हो गए देखा, तो पुलिस को तला दी, पुलिस ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कट्टे में सिक्के हैं, गोली के सिक्के हैं। तो मैं अपने पुलिस बल के साथ यहाँ मौका पहुँचा था। जब मैंने यहाँ आके पता कराया, वो जो मिट्टी है ताजी गिरी हुई, इसमें एक कट्टा पड़ा था, बच्चे ने उठा के वो सड़क साइड में कर दिया और साइड में करके उसको खोल दिया। तो मौके पर देखा कि उसमें जो गोली के सिक्के हैं, करीब 30-32 किलो गोली के सिक्के थे, जिनको पुलिस कब्जे में ले लिया और मौका पर सीनियर अधिकारियों को बतलाया गया। जो सीनियर अधिकारियों को आदेशानुसार एंटी सबोटाज टीम मौके पर बुलाई गई है। कल ही एरिया को पूरा एरिया सुरक्षित रखा गया था और अब इसको चेक करें कि कोई गोली सिक्का बारूद और कुछ यहाँ आसपास कोई दबा हुआ तो नहीं है, इसलिए एंटी सबोटाज टीम को बुलाया गया। सर जैसे ही बच्चों ने उस कट्टे को खींच के ले गए तो उसमें से कुछ सिक्के निकल गए जो आसपास से बरामद हुए, 5-4 सिक्के। अभी वो मिट्टी के ऊपर पड़ा था कट्टा, इसकी जांच कर रहे हैं, मिट्टी किसने गिरी है, ये कहां से आए हैं, इसकी जांच का विषय है, जांच करेंगे, जैसी मुनासिब कार्रवाई होगी मामले में ले जाएगी। हाँ, खुद प्रबंधक थाना है हमारा और DSP साहब हैं जो जांच में लगे हुए हैं। मौके पर सभी अधिकारी मौके पर आए थे, CIA 1 CIA 2 के अधिकारी भी मौके पर थे। बहरहाल मोहल्ले के बीच बड़ी मात्रा में गोली सिक्का मिलने से इलाके के लोगों में दहशत है। लेकिन ये बैग कहां से आया है इसका फिलहाल पता नहीं लग पाया है। इतनी बड़ी संख्या में गोली सिक्के मिलने से खुफिया तंत्र भी हरकत में आ गया है और ऐसे में पुलिस की सभी एजेंसियां आसपास के लोगों से पूछताछ में जुट गई है। पंजाब के CCTV के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।